नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज एक बिनोदी गांव में जो बागपत ज़िले में है, एक बहुत ही दुखदायी घटना घटी। गांव के बीचों बीच एक तालाब है। तालाब में जो खरपतवार उग आता है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, वो कुछ इस तरीके से था और वो सूखा हुआ भी था। अब पता नहीं किस कारण से एक साइड से इसमें आग लगी और आग पूरे के पूरे तालाब में फैल गई। और सबसे बड़ी दुखदायी घटना इसमें ये हुई कि जो इसमें पक्षी हैं, इन्होंने इसमें इनके अंडे भी थे, इनके बच्चे भी थे, वो सभी के सभी जलकर नष्ट हो गए। ये बहुत ही दुखदायी घटना है। आप देख भी रहे होंगे कि जो ये पक्षी हैं कैसे उड़ रहे हैं, जो उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये आलाचार हैं बेचारे, क्या कर सकते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और जो ये आग है गांव के बिल्कुल बीचों बीच है, ये कितना नुकसान कर सकती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि ये जो आग है चारों तरफ को फैल रही है, धीरे धीरे फैल रही है। और चारों तरफ को आप देखोगे तो ये मकान भी हैं, और मकान जो हैं तालाब से सटे हुए ही हैं। तो ये जो आग है फिलहाल बुझने का नाम नहीं ले रही है। और चारों तरफ जो व्यक्ति हैं वे भी खड़े हुए देख रहे हैं कि ये आग किस ओर जाती है, क्या नुकसान कर सकती है। अभी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो नहीं आई है, और गांव काफ़ी चिंतित है। जो चारों तरफ के मकान हैं, तालाब के चारों तरफ के जो मकान हैं, काफ़ी परेशान हैं। और वे अपने जो घर हैं उनको बचाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं, अपना सामान भी इधर उधर कर रहे हैं। क्योंकि आग जो है ये अब जो मकान है उनके नज़दीक जाने की स्थिति में है। और आप देख भी रहे हो कितनी भयंकर तरीके से आग लगी हुई है। ये जो लपटें उठ रही हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर कर रही है। ये देख रहे होंगे आप, काफी व्यक्ति चारों ओर तालाब के खड़े हुए हैं, तो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। जहाँ जहाँ आग बुझ रही है वहाँ बिल्कुल नेस्ते नाबूद हो चुकी है, केवल राख राख रह गई है। और जहाँ पर भी पक्षियों के जो बच्चे हैं सभी के आग में सुहा हो चुके हैं। ये देखिए जो आग है बिल्कुल मकानों के बिल्कुल नज़दीक आ गई है, और लपटें काफ़ी तेज हो रही हैं। यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, काफ़ी लपटें आ रही हैं। ये एक चिंता का विषय बन सकता है, मकानों के बिल्कुल नज़दीक आग आ चुकी है। आग पूरे अपने स्वाब पर फिर से आ गई है। ये देखिए लपटें कितनी ऊंची ऊंचाई तक जा रही है, पेड़ों से भी ऊपर जा रही है। पकड़ गया वो अभी। हाँ देखो पकड़ गया, अब एक बार टूल था पकड़ गया सारे तो बच जाएगा।